क्या आपका? मेरा नाम रविपाल सिंह है, मैं भारतीय किसान यूनियन भानु का मंडल अध्यक्ष हूँ अलीगढ़ से। आप लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए क्या समस्या थी, किस समस्या को लेकर? मेरे क्षेत्र में ग्राम धुमरी में, मैं चूंकि ग्राम धुमरी का निवासी हूँ, वहाँ पर एक सांड बहुत बुरी तरीके से पागल हो गया है। उसने कई लोगों को घायल किया है, एक व्यक्ति का पेट फाड़ दिया है, यहाँ से उसको 18 टाके आए हैं, सिर फाड़ दिया है, यहाँ फाड़ दिया। एक बच्चा कम से कम 7 साल का एक विद्यालय में पढ़ता है, प्ले ग्रुप में पढ़ता है, उसको सांड ने उठाकर फेंक दिया है, उसको लेकर आगरा रेफर कर दिया गया है। मेरा कहने का उद्देश्य है, हम समय पर प्रशासन को अवगत करा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी गाय और सांडों के हित में, जानवरों के हित में अनेकों योजनाएं चला रहे हैं, प्रशासन को फंड भी आ रहा है, फिर भी ये जो सांड है वो लोगों को मार रहे हैं। अब स्थिति भयानक हो गई। अब तक वो फसलें उजाड़ते थे, लेकिन अब वो ग्रामीण इलाकों में मजदूरों पर, किसानों पर हमला कर रहे हैं। आपने अभी ज्ञापन सौंपा, क्या आश्वासन? हम ज्ञापन नहीं, हम आप लोगों के समक्ष ये भी आए कि हम उसकी ये स्थिति लाए, कि उस आदमी को साथ लेकर आए एसडीएम साहब के सामने कि स्थिति कितनी भयानक है। और हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, एसडीएम साहब ने पूरा आश्वासन दिया है। चूंकि हमारी एसडीएम साहब से कंटिन्यू बात होती रही है इस विषय में, उन्होंने हमारा फोन उठाकर हमें आश्वासन भी दिया था, टीम भी भेजी थी, लेकिन कहीं ना कहीं नीचे के जो पदाधिकारी हैं वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। ऐसा था, धुमरी के पास में एक आई थी, ग्रामीणों ने हमें जो है बताया था, संज्ञान में लाया था कि एक सांड जो है थोड़ा सा बिगड़ गया है और अनियंत्रित होकर के लोगों को हमला कर रहा है और घायल कर रहा है। तो मैंने वन विभाग की और उसकी जो है डॉक्टरों की टीम, पशु चिकित्सकों की टीम को भेजा था। पहले दिन शाम को ये लोग काबू नहीं कर पाए और दूसरे दिन फिर किसान वालों ने, संघ ने ज्ञापन दिया इस आशय का हमारे पास। तो मैंने तत्काल फिर टीम को पुनः भेजा और टीम में कुछ और डॉक्टर्स को शामिल, और भी उसमें संसाधन को जुटा करके हमने उसको 3 बजे के आसपास उसको पकड़ लिया गया। पकड़ करके उसको हम लोगों ने मलावन जो गौशाला केंद्र है वहाँ पर उसको व्यवस्था भिजवाने की व्यवस्था करा दी गई।